अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर कर रही हूँ वो है आईब्रोज़ की, क्योंकि आईब्रोज़ जो होते हैं वो हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। और हम लोग जो आईब्रोज़ बनाते हैं उसमें हम लोग मतलब आईब्रोज़ में कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, आज मैं वीडियो बना रही हूँ उस चीज़ के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्लाइंट के बहुत ज़्यादा हैवी जो आईब्रोज़ होते हैं उनको किस तरीके से हम नीड करते हैं। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि जब हमारी आईज़ पर इतने ज़्यादा बाल ना हो, बहुत कम हो, तो उनको हम किस तरीके से शेप देंगे और मतलब कितने हमने उनको बारीक रखना है और कितने ज़्यादा मोटे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग अपने आईब्रोज बारीक रखते हैं जब मोटे रखते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग अपने क्लाइंट के फेस के मतलब फेस को देखते हुए रखते हैं कि हमारे क्लाइंट का फेस कैसा है कैसा नहीं है, उसके हवाले से ही हम फिर आईब्रोज जो है वो रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बाल थे सबसे पहले मैंने वो रिमूव किए हैं, उसके बाद मैं शेप दूंगी। क्योंकि मैं मतलब हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है आईब्रोज बनाने का, आप लोगों का पता नहीं अपना तरीका कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं तो सबसे पहले जितने भी बाल एक्स्ट्रा होते हैं उन सबको मैं नीट कर लेती हूँ, और जो ऊपर वाले हमारे आईब्रोज होते हैं उनको मैं बना लेती हूँ। उसके बाद में मतलब कि ये है कि मैं जो अपने क्लाइंट की जो मेन शेप होती है फिर मैं उसको बाद में देती हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते थे मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बाल थे वो सारे मतलब उतार दिए थे, और मेरी मतलब यही थी कि जो मतलब जिसके पास मैंने मोबाइल पकड़ाया हुआ था, मोबाइल जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि धागे को हम लोग आड़ा करके जब हम धागे को मोड़ते हैं ना तो उसमें जो है वो बाल जो है ना वो हमारे ईज़िली हमारे जो धागे में बाल जो है वो फंस जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और अक्सर मुझे क्लाइंट का यही होता है कि मैम जो मतलब थ्रेड की रील हो हम उसी से देखें, आपका जो काम है वो अच्छा हो और आपको काम आईब्रोज बनाने आने चाहिए, उसमें आपका जो धागा है या थ्रेड है वो कोई भी मतलब कुछ भी हवाले नहीं रखता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि हमें अपना काम आना चाहिए, और जब हमें हमारा काम आता है तो हम ईज़िली उसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे क्लाइंट के आईब्रोज